नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। आंधी तूफान के साथ अंतर्गत बीती रात किसी अज्ञात शख्स ने अंबेडकर वार्ड करेली के लीलाधर चौधरी के घर करीब 12 बजे रात में टीन की छत के ऊपर से गोली चला दी। कमरे में लीलाधर और उनकी पत्नी दोनों सो रहे थे। गोली टीन को चीरती हुई मच्छरदानी के अंदर तकिए के पास लगी, जिससे दोनों की बाल बाल जान बची। मौके पर थाना प्रभारी अनिल सिंह, क्योंकि यदि क्लोज कॉन्टेक्ट से क्लोज कॉन्टेक्ट से फायर होगा सर, ये गोली चलने का मामला आया है अंबेडकर वार्ड में, क्या मामला है? अब मामला तो ये बताएंगे, लीलाधर जी जो है, इनका कहना है कि इनका किसी से कहीं कोई विवाद नहीं, कल रात ही सोए हुए थे, उसके बाद कुछ जोर की आवाज़ हुई तो ये और इनके पुत्र और इनकी पत्नी आसपास देखने के बाद छत पे जाके देखे, इनको कहीं कुछ समझ नहीं आया। और जब लौट के इनकी पत्नी अपने बिस्तर पे सो रही थी तो उनको एक टुकड़ा मिला है जिसे ये गोली कह रहे हैं। वो टुकड़ा जो है वो प्योर स्टील का टुकड़ा है, मतलब जो इतने साल की नौकरी के अनुभव में बुलेट हेड जो होता है वो अक्सर करके वो हमेशा ही रांगे का होता है, सीसा रांगा का, ये स्टील हेड है टोटल। तो अब उसकी हम बैलिस्टिक वगैरह से जांच करवा रहे हैं और कई एंगलों से हमने जांच की है, फॉरेंसिक वालों को ही बुला करके उसकी जांच कराएंगे, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, जो होगा सामने आएगा। क्या घटना है, कितने बजे गोली चली है, क्या हुआ? ये सर हम लोग तो 10 बजे सो गए थे और 12:15 बजे करीब एकदम से भयंकर जंग से आवाज़ आई छत अपने टीनों में, तो हम लोग ये सोच रहे कि किसी ने पत्थर पत्थर मार दिया, और बाहर चल फिर के देखा तो हमने कहा कोई कछु चीज़ गिर गया होगा। ये देखते देखते कुछ नहीं, और इसके बाहर हम सोने लगे तो हमारी पत्नी ने जैसे मच्छरदानी हटाई तो उसमें बुलेट मिली थी, तो फिर इसके बाद हमने देखा कि इसमें छेद बना है, टीन तक ले कर नीचे तक आ गया छेद वो, तो वही देख के हमने कहा यार बुलेट भी डली है। फिर थाने फ़ोन लगाया, वहाँ से इंक्वायरी के लिए वो लोग आए तो करके बुलेट भी ले गए और इंक्वायरी करके चले गए। हमने गए थाने से रिपोर्ट करके, फिर बोल रहे थे कि सुबह आएंगे TI साहब इंक्वायरी करने के लिए। अभी TI साहब आए हैं क्या? जी आए हैं, जाँच की है।